हेलो, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी फाइन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ सॉइल इन इंडिया। अभी हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसकी 3 वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें एलुवियल सॉइल को हमने पढ़ चुके हैं और ब्लैक सॉइल को भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे एक स्मॉल सा टॉपिक है, रेड सॉइल। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। रेड सॉइल, रेड सॉइल हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन, ठीक है, विच गिव्स इट अ रेड कलर। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, उसी वजह से थोड़ी सी रेड दिखती हैं। इट इज़ लेस फर्टाइल, फर्टिलाइजर्स हैव टू बी एडेड टू मेक इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये थोड़ी कम उपजाऊ होती हैं, इसलिए अगर आप इसमें थोड़े फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो ये सुटेबल हो जाती हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, मतलब कि इसमें जैसे हमने बाकी पढ़ी है वो काफ़ी उपजाऊ थी, ठीक है, काली मिट्टी और एलुवियल सॉइल, ये थोड़ी कम है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ऐड करने पड़ते हैं फर्टिलाइज़र, तो उससे ये काफ़ी सुटेबल हो जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये जो लाल मिट्टी होती है ना, ये थोड़ी पीली या चॉकलेटी रंग की भी मिलती हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। और ये बनती कैसी है, ये एक्चुअली में जो पर्वतों के या चट्टानों की टूटने से जो बनता है ना, पत्थर छोटे छोटे आ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जब क्रश हो जाते हैं, और यही मिट्टी जब पानी के संपर्क में आ जाती है तो ये बाद में कलर भी चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनती हैं। तो अगर पानी के साथ ये जो लाल मिट्टी आ जाती है ना संपर्क में, तो ये थोड़ी सी हल्की हल्की पीली दिखने लग जाती है। और जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें लोहा ज़्यादा होता है और इसमें एल्युमिनियम और चूना भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है रेड सॉइल इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इट इज़ आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, असम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। इनमें तो पाई जाती है, लेकिन कुछ हिस्से इन स्टेट्स के भी इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये वाला कलर जो है रेड सॉइल का है। तो देखिए, यहाँ पे कर्नाटका का भी आ रहा है, हल्का सा केरला का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है और झारखंड का भी आता है। और इस तरफ भी है, देखिए ये जो सेवन सिस्टर्स है ना, उसमें भी कुछ हिस्से इसमें आ जाते हैं, ठीक है, देखा आपने। चलिए आगे इसके क्रॉप्स पढ़ते हैं, क्या क्या फसल उगाई जा सकती है इसमें। देखिए, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आपको पता है ना कि जो हमने ब्लैक सॉइल रीड किया था उसमें तो कॉटन कितने अच्छे से होती थी, उसके बहुत ज़्यादा और सही थी वो मिट्टी, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये इतनी अच्छी तरह से गुरुगुर नहीं कर पाती फसल, तो उसमें फर्टिलाइजर्स हमें ऐड करने, और फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद ये काफ़ी सुटेबल हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। और इसमें मिलेट्स, ग्राउंडनट कैन बी ग्रोन, ठीक है, यहाँ पे मूंगफली, बाजरा, ये चीज़ें आराम से हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जैसे गेहूं भी होती है, वो भी, दाल और जो मोटे अनाज होते हैं ना, वो भी इसमें ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाजरा की फसल है ना, उसको ज़्यादा अच्छी इसमें ग्रो हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है हमने देख लिया ना, यूपी की तरफ मैक्सिमम होती है ये, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो हमने स्टेट्स देखे हैं, ठीक है। और कुछ जगह पर जैसे छत्तीसगढ़ है ना, तो वहाँ पर ना इस जो लाल पीली मिट्टी होती है, इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका था, बाकी इसमें तिलहन भी उगाया जा सकता है, ठीक है। और कपास भी करते हैं इसमें, कपास और चावल को भी उगा सकते हैं, बस इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं, तब थोड़ा सा ये अच्छे से सुटेबल हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। आपको ये छोटा सा टॉपिक आया, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और पहले हम इससे पहले एलुवियल सॉइल कर चुके हैं हमारे, ठीक है। देखिए, हमने एलुवियल सॉइल किया था और फिर हमने उसके बाद ब्लैक सॉइल किया था, ठीक है, और आज हमने रेड सॉइल कर लिया है। तो ये हमारे अब सिक्स टाइप्स ऑफ सॉइल्स थे, जिसमें से हमने एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल कर लिया है। अब हमारे 3 सॉइल और रहते हैं, जो हम आगे फिर स्मॉल वीडियोज़ में इसको कम्प्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नॉलेज है, नॉलेज तो किसी भी एज में ले सकते हैं, तो इसके लिए ये कहूँगी ये सिर्फ बच्चों के लिए है तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी कभी भी इसको पढ़ सकता है, नॉलेज पढ़ती है, नॉलेज गेन करने के लिए कोई एज नहीं होती है,
और फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप कमेंट्स तो कर देते हैं लेकिन शायद कुछ लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।